दोस्तों, कुछ दिनों से अगर सोशल मीडिया पर किसी की हाइप बनी हुई है तो वो है सिर्फ वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित, जो अब अनिल कपूर के शो बिग बॉस OTT के कंटेस्टेंट के रूप में आ चुकी है। वह अपनी पर्सनैलिटी से दर्शकों का मनोरंजन करके ट्रॉफी के लिए मुकाबला करेंगी। अनिल कपूर ने उन्हें दर्शकों से मिलवाया और उसके बाद वे घर में प्रवेश करने वाली पहली कंटेस्टेंट बनी। अपने घर वालों से बॉन्डिंग करते हुए वड़ा पाव गर्ल उर्फ चंद्रिका दीक्षित ने अपने साथ हुई वायरल लड़ाई के पीछे की कहानी साझा की है। इस दौरान उन्होंने अपनी प्रतिदिन की कमाई का खुलासा किया। पिंक विला की एक रिपोर्ट के मुताबिक बिग बॉस OTT 3 के घर के अंदर चंद्रिका दीक्षित ने वड़ा पाव बेचते हुए दिल्ली की सड़कों पर अपनी वायरल लड़ाई के बारे में खुलासा किया और वड़ा पाव बेचकर प्रतिदिन 40,000 रुपये कमाने का भी खुलासा किया। इस खुलासे ने सभी को चौंका दिया। DNA से एक्सक्लूसिव बातचीत में चंद्रिका ने खुलासा किया कि अगर वे बिग बॉस जीत भी जाती हैं तो भी वे अपना फूड स्टॉल चलाना जारी रखेंगी। जब उनसे उनकी इच्छाओं के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, पैसा कमाना है और घर बनाना है। अभी तक किराए के घर में रह रही हूँ और जहाँ जहाँ लोगों ने कहा है कि अपनी फ्रेंचाइजी खोलो, वहीं अपना वड़ा पाव का ठेला भी लगाना है। इस सीजन में चंद्रिका दीक्षित के अलावा दर्शकों को रणवीर शौरी, सना मकबूल, शिवानी कुमारी, विशाल पांडे, लवकीश कटारिया जैसे कई सितारे सुर्खियां बटोरते हुए नजर आने वाले हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस साल ट्रॉफी कौन अपने घर लेकर जाने वाला है। वेल दोस्तों, आप सभी वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित की रोजाना की कमाई सुनने के बाद हैरान हुए या नहीं, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही बिग बॉस OTT 3 से जुड़ी ऐसी और भी खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।